हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ब्लॉग चैनल में। तो फाइनली गाइस, जैसा कि हमने पिछले ब्लॉग में बताया था कि अगर हम आज भरत मिलाप का मेला देखने गए तो आप लोग के लिए एक ब्लॉग ज़रूर बनाएंगे। तो फाइनली आज हम आ चुके हैं और लाइफ में अभी तक फर्स्ट टाइम हम विजिट किए हैं, जो कि हमारे घर से बहुत नियर बाई है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर। आज तक हमने विजिट नहीं किया था और देख सकते हैं यहाँ पर जो मेले का भीड़ है काफ़ी ज़्यादा है। अभी तो स्टार्टअप है और हो सकता है अभी कुछ टाइम के बाद और भीड़ बढ़ जाए। और यहाँ के लोगों का मानना है कि इतनी भीड़ हो जाती है कि यहाँ पे फोर्स लगभग हर तरफ लगी होती है ताकि कोई दिक्कत ना हो भक्तों को। और माता जी के पांडाल वगैरह भी लगे हैं, तो आपको अभी हम हर पांडाल का दर्शन कराएँगे, वीडियो में बने रहिए। और देख सकते हैं गाइज, मतलब दोनों साइड लाइटें वगैरह लगी हुई हैं जो मॉर्निंग में नहीं दिखती थी, लेकिन अभी नाइट में फुल दिखाई दे रही हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा है गाइज। और देख सकते हैं जो दुकानें हैं, वो मेन दुकानें तो बंद बराबर है, मतलब खुली नहीं है, लेकिन जो छोटी मोटी मेले वाली दुकान है सब खुली हुई हैं। और गाइज देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है इस समय जो है नाइट का। और जो भरत मिलाप की झांकी वगैरह है तो शायद वो 12 बजे के लमसम निकाली जाएंगी। और ये भाई साहब देख सकते हैं कि भोपू बेचते हुए, बहुत ही खतरनाक आवाज़ इससे निकलती है और इससे बजाने से पुलिस वाले मना भी करते हैं, क्योंकि ये समझ लीजिए कुछ ज़्यादा ही लाउड आवाज़ निकालता है। और गाइस देख सकते हैं जो सामने गेट दिख रहा होगा, लाइटें जल रही हैं, तो भरत और राम और लक्ष्मण का फ़ोटो उस पर बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत इस गेट को बनाया है, हर भरत मिलाप के टाइम इस गेट का निर्माण किया जाता है और इस गेट का निर्माण जो है मेन रोड पर ही होता है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, रोड के जस्ट किनारे ही बनाया गया है इसको। गाइस देख सकते हैं मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है, आगे तो हमको लग रहा है और भी भीड़ है। तो प्रशासन एकदम पूरी सख्त है, बस खारी की महारानी जो ये पांडाल अंदर है। अभी हम आगे चलते हैं पूर्वी चौराहे पर, और पूर्वी चौराहे से जब रिटर्न होंगे तो आपको हम महारानी के दर्शन जरूर करवाएंगे। बहुत ही भव्य और खूबसूरत पांडाल का निर्माण किया गया अंदर। और फाइनली गाइस देख सकते हैं ये रहा रामलीला समिति की तरफ से मिलन द्वार, भगवान राम और भरत जी का मिलन द्वार है ये। देख सकते हैं यहाँ के इस रामलीला समिति के जो सदस्य हैं, ये व्यवस्था देखते हुए और अनाउंसमेंट करते हुए कृपया शांति का सहयोग दें और प्रशासन को अपना काम करने दें। तो देख सकते हैं इधर भी गाइस लाइटिंग बहुत ही प्यारी लगी हुई है, तो लगभग पूरे बसखारी में आपको ऐसी प्यारी प्यारी लाइटें लगी हुई मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और वहाँ का वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि सामने ही एक और माता जी का पांडाल है, वहाँ चल के उस पांडाल का खूबसूरत व्यू दिखाते हैं। और यहाँ की जो माता जी की प्रतिमा होती है गाइस बहुत ही खूबसूरत होती है, पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी माता जी की मूर्तियाँ मिलती हैं यहाँ पर देखने को। और छोटे मोटे दुकानें देख सकते हैं लगी हुई हैं रोड साइड, और इस रोड साइड दुकानों को लगाने के लिए जो बुकिंग थी कल से ही हो रही थी। लोग अपना अपना एक अपना कुछ ना कुछ सामान रख के चले जाते थे, जैसे मेज वगैरह डाल के चले जाते थे कि ये हमारी जगह है और नेक्स्ट डे हम यहीं पे अपनी दुकान लगाएंगे। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं ये दूसरा पांडाल है, दूसरा नहीं ये तीसरा पांडाल है, और बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत माता रानी की मूर्ति दिख रही है इसके अंदर। गाइस देख सकते हैं और डेकोरेशन कितना बेहतरीन और खूबसूरत किया गया है, मतलब यहाँ की डेकोरेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ही प्यारा है। और इसके आगे चलते हैं, और हर पांडाल के पास आपको जो है यूपी पुलिस तैनात मिलेगी, और यहाँ पे सुरक्षा बल का काफ़ी ध्यान देते हुए इस प्रशासन यहाँ की प्रशासन बहुत सख्त हो गई है और अनाउंसमेंट भी कर रही है। तो अभी हम आपको और भी दिखाते हैं यहाँ के प्रशासन हर जगह बिखरी पड़ी है, और हर जगह से इसके आने जाने का रूट ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि अंदर जो है आप बाइक वगैरह लेके नहीं आ सकते, बाइक से अगर आ रहे हैं तो आपको बाहर ही बाइक खड़ी करनी पड़ेगी। और देख सकते हैं एक और माता जी का पांडाल यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी देख सकते हैं डेकोरेशन कितना खूबसूरत किया गया है,
फूलों का बगीचा जैसे बना दिया गया है। इधर चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं और राइट साइड में आप देख सकते हैं गाइज भगवान राम लला की भी मूर्ति विराजमान है। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है भगवान राम लला की मूर्ति को। और इधर देख सकते हैं गाइज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, मतलब लग रहा है कि आगे चल के बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलने वाली है। अभी तो देखा जाए तो शुरुआत है, लोग आना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी लगभग एक से डेढ़ घंटे बाद इतनी भीड़ हो जाएगी कि 10 कदम या 1 कदम चलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब झांकी का टाइम होता है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं झांकी को देखने के लिए। तो झांकी का तो हम भी वेट कर रहे हैं गाइज, लेकिन काफ़ी टाइम से वेट करते करते लगभग अनाउंसमेंट हो रहा कि कुछ ही देर में झांकी का कार्यक्रम स्टार्ट होगा, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया झांकी का कार्यक्रम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। और वेट करते हैं, देखते हैं कब तक झांकी का कार्यक्रम स्टार्ट होता है। हम आपको भी दिखाना चाहेंगे जो भरत मिलाप का झांकी है, देख सकते हैं प्रशासन टहलते हुए मिल जाएगी आपको। चारों तरफ सैन्य बल जो है तैनात है ताकि कोई दिक्कत किसी को ना हो। और यहाँ देख सकते हैं आज भंडारा चल रहा है जो हलवा का है रामलीला समिति तरफ से, और ये पांडाल की तरफ से जो माता जी की प्रतिमा लगी है उनकी तरफ से भंडारा चालू है। आप यहाँ खा सकते हैं और सामने एक और माता जी की प्रतिमा है, चलिए वहाँ ले चलते हैं और वहाँ का व्यू दिखाते हैं। भीड़ तो इतनी ज़्यादा है गाइस कि चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और बाहर के साइड टेम्परेचर ठंडा है और लो भी है, लेकिन अंदर इस भीड़ में आने के बाद गर्मी होने लगी है। तो देख सकते हैं गाइस हर पांडाल के पास ऐसे साउंड सिस्टम मिल जाएंगे, वो बहुत लाउड चला रहे हैं और बहुत ही शोर शराबा है। देख सकते हैं ये रहा पांडाल, और यहाँ का भी डेकोरेशन जो है बहुत ही प्यारा और खूबसूरत किया गया है। समिति के सदस्य लोग देख सकते हैं गाइस लगे हुए हैं प्रसाद वितरण में, हर जगह आपको ऐसे लोग देखने को मिल सकता है। मतलब काफ़ी भव्य और खूबसूरत बनाया गया है इस जगह को। बसखारी के इस भरत मिलाप को समझ लीजिए, हमको तो नहीं पता कितने सालों से ये हो रहा है, लगभग 50 से 60 साल हो गया होगा या इससे ज़्यादा भी होगा। और बहुत ही प्रसिद्ध ये उत्सव मनाया जाता है इस बसखारी के अंदर, क्योंकि ये बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे भरत मिलाप देखने आते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं समिति का मंच बनाया गया है जो भक्तों का स्वागत करने के लिए है, अगर कोई विशेष अतिथि आते हैं तो उनके स्वागत के लिए बनाया गया है। ये फाइनली गाइस पूरी चौराहे का व्यू है, पूरी चौराहे पे भी देख सकते हैं पुलिस वाले तैनात हैं और चारों तरफ से आपको पुलिस ही पुलिस दिखाई देगा, लेडीज पुलिस हो या जेंट्स पुलिस। तो यहाँ भी इतनी भीड़ है, इसके आगे चलते हैं जागे थे जरूर पर अगर कोशिश करें तो नहीं जाने लायक, क्योंकि उधर भी भीड़ है। तो ये रहा सब्जी मंडी का रोड, अंदर भी एक माता जी की प्रतिमा है और देख सकते हैं चौराहे के चारों तरफ का ये ऐसा व्यू कुछ देखने को आपको मिल जाएगा। तो वापस चलते हैं, फाइनली गाइस देख सकते हैं इधर भी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो लगभग हर तरफ आपको ऐसी भीड़ें मिल जाएंगी देखने को। और इधर तो काफ़ी शांति है गाइस, थोड़ा सा और अंदर चलते हैं और दिखाते हैं अंदर का व्यू। देख सकते हैं एसओ साहब एसपी साहब और दरोगा साहब सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अंबेडकर नगर के हमको लग रहा है एक ही थाने का मैनेजमेंट नहीं है, अंबेडकर नगर से लगभग 3-4 थानों का जो फोर्स है यहाँ पे आया हुआ है इस मेले में, ताकि कोई भी प्रॉब्लम किसी को ना हो। और यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वीडियो में बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। सो गाइस देख सकते हैं हम तीन दोस्त हैं, तीनों लोग आए थे साथ में, और ज़्यादा देर घूमते घूमते गाइस पैरों में दर्द होने लगा, क्योंकि बहुत दूर से ही गाड़ी अंदर लाने नहीं दे रहे, तो पैदल ही चलना पड़ रहा है। तो चलते चलते पैरों में दर्द होने लगा, काफ़ी लंबा चलना पड़ रहा है पैदल पैदल। और देख सकते हैं यह छोटी मोटी दुकानें इधर भी लगी हुई हैं, मतलब एक बहुत ही खूबसूरत व्यू है रात का। यहाँ पे आपको जलेबी वगैरह भी मिल जाएंगी, बहुत ही बढ़िया से जलेबी बना रहे हैं। आगे तो आपको गाइस पता होगा कि मेले का जो जलेबी होता कैसा होता है, बढ़िया होता कैसा होता है।
और एक और पांडाल आपको मैं दिखाता हूँ गाइज, कितना खूबसूरत है, देख सकते हैं। ये है आजमगढ़ रोड पे जो बाईपास है पूर्वी चौराहे से, वहाँ की ये माता जी का पांडाल है। यहाँ पे देख सकते हैं डेकोरेशन जो है ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। मतलब मैं क्या कहूँ आपको, आप खुद देख सकते हैं गाइज, ये समिति के सदस्य हैं, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डेकोरेशन के साथ माता जी की जो प्रतिमा बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ भी लोग आ रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, माता जी के दर्शन कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे गाइज जो माता जी का पंडाल लगता है, या नवरात्रि ख़त्म होने के बाद ही लगता है, क्योंकि हर जगह पहले लग जाता नवरात्रि में, यहाँ नवरात्रि के बाद ये रहा भंडारा। और माता जी का प्रसाद जरूर हम खाएंगे। तो आपको भी अगर किसी भंडारे में सम्मिलित होने का मौका मिले या शामिल हो, तो वहाँ का प्रसाद भंडारा हो या फिर हलवा हो, भंडारे में हलवा जरूर खाएं गाइस। ये माता जी का प्रसाद माना जाता है, क्योंकि माता जी की मूर्ति देख सकते हैं कितनी प्यारी और खूबसूरत है गाइस। लगभग जितनी मूर्तियाँ गाइस हर जगह आपको काफ़ी खूबसूरत मूर्तियाँ मिल जाएंगी। तो वीडियो में बने रहिए और आगे तक ले चलते हैं। यहाँ भी गाइस देख सकते हैं मंच बनाया गया है जो स्वागत के लिए है। और आगे चलने के बाद देख सकते हैं गाइस यहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। भीड़ से बचते हुए हम और आगे चलते हैं। अगर आप आगे तक देख पा रहे होंगे तो पूरा पब्लिक ही पब्लिक दिखाई दे रहा है। फाइनली गाइस टाइम के हिसाब से जो है भीड़ बढ़ती जा रही है, तो हमको लग रहा है कि जल्दी भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी चलते हैं महारानी के ये जो पांडाल बना हुआ है यहाँ पे, माता जी के पांडाल का आपको व्यू दिखाते हैं। यहाँ का ऐसा लुक दिया गया है जैसे वैष्णो देवी जैसा फील आएगा। बड़े बड़े मंदिरों में जैसे बनाया जाता है, एक लाइन से आपको जाना है, एक लाइन से आना है, कुछ ऐसा बनाया गया है इस जगह को। जो ये गली है सुनार गली के नाम से जानी जाती है वस्तारी में, और ऐसे लाइन से चलना पड़ेगा गाइस यहाँ। चलिए हम आपको दिखाते हैं अंदर चल के कैसा व्यू है, और माता जी का दर्शन करवाते हैं और खुद भी करते हैं, माता जी का आशीर्वाद लेते हैं। अगले साल फिर आएंगे माता जी के आशीर्वाद से और आप लोग को भी ले आएंगे। तो गाइस देख सकते हैं फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता जी के पांडाल के पास। तो करीब से चल के हम आपको दिखाते हैं माता जी की ये प्रतिमा, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का जो शेर है जिसमें माता जी विराजमान है, काफ़ी भव्य बनाया गया है इसको, बहुत ही विकराल रूप में दिखाया गया है आक्रोश वाले रूप में। और यहाँ से हम फिर हो जाते हैं रिटर्न, प्रसाद लेते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। आगे चल के और दो दिखाते हैं। देख सकते हैं सभी लोग जितने भी यहाँ पे आए हैं भक्त, ये सब इस खूबसूरत मोमेंट को अपने अपने फ़ोन में कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मोमेंट सबको नहीं है नसीब होता। और अगर आपको मौका मिले तो ऐसे दर्शन करने जरूर आए, क्योंकि इतना खूबसूरत डेकोरेशन किया गया है कि लोग ऑटोमेटिक फ़ोन निकाल के वीडियो बनाना स्टार्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि इतना खूबसूरत लग ही रहा है ये जगह। बहुत ही प्यारा बनाया गया है माता जी का दरबार ये। तो आगे चलते हैं और पश्चिमी चौराहे की तरफ, उधर का भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो लग रहा है गाइस ये 10,000 प्लस लोगों की भीड़ है,
क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी लग रहा है 1.5 घंटे में। प्रशासन की एक और व्यवस्था हमको देखने को यहाँ मिली, बड़ी ही खूबसूरत, अभी हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा सिस्टम बना रखा है यहाँ के प्रशासन ने, और ये होना बहुत ज़रूरी था। ऐसे मेलों में वो केस देखने को मिलता है जिससे लोग ज़्यादा परेशान होते हैं छेड़खानी का, तो उसके लिए यहाँ की प्रशासन ने बहुत ही उचित व्यवस्था कर रखी है, और उस व्यवस्था को हम अभी पास से आपको दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा भी वीडियो लिया जाए, तो बिल्कुल भाई साहब का भी वीडियो आएगा, और किसी को अगर आपत्ति ना हो तो हम बिल्कुल वीडियो शूट करते रहेंगे। और ये रहा गाइस पश्चिमी चौराहा, जलालपुर रोड पे भी काफ़ी भीड़ है, और प्रशासन का ये देख सकते हैं सबसे सख्त व्यवस्था जो है मजनू पिजड़ा करके, ये वैन खड़ी हुई है। अगर आप किसी भी छेड़खानी वगैरह करते हैं तो आपको सीधा उठा के अंदर डाल दिया जाएगा। और फाइनली गाइस ऐसा ही हुआ है, इसके अंदर भी आपको हम दिखा देंगे, लगभग 5 से 7 लोग दिखाए गए हैं पहले ही। और ये जलालपुर रोड की माता जी की प्रतिमा है गाइस, देख सकते हैं यहाँ का भी डेकोरेशन काफ़ी खूबसूरत है। इस रोड के किनारे बहुत ही प्यारा और खूबसूरत पंडाल यहाँ भी बनाया गया गाइस, तो इसके आगे ना जाते हुए हम यहीं से वापस चलते हैं, और कोशिश करेंगे कि टांडा वाले रोड पे जो बनाई गई है माता जी की प्रतिमा, वहाँ का भी दर्शन कराएं आपको और डेकोरेशन दिखाएं कैसा है। तो फाइनली अभी हम चौक पे ही हैं, तो चौक का वीडियो पहले आप व्यू देख लीजिए गाइस, उसके बाद फिर चलते हैं। कोशिश करेंगे आपको ये भरत मिलाप वाली झांकी भी दिखाने की, लेकिन लग नहीं रहा है कि दिखा पाएंगे, क्योंकि लगभग 11:30 बज चुका है और अभी तक यहाँ झांकी वाला प्रोग्राम कोई स्टार्ट नहीं हुआ है, मेला ही चल रहा है। प्रशासन काफ़ी सख्त है, देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो ज़रूर आपको हम झांकी दिखाएंगे यहाँ का, जो बहुत ही प्रसिद्ध और अच्छा माना जाता है। बहुत खूबसूरती से झांकी का आयोजन किया जाता है, तो हर चौक पे आपको देख सकते हैं प्रशासन मिलेगी, PCR वैन भी आपको दिखाई देगा। छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े मम्मी पापा के साथ सब अपने अपने आए हुए हैं, कुछ अकेले भी आए हुए हैं। तो एक बच्चा खो गया है अभी, जस्ट कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुआ है, तो लोग ऐसे आते हैं फैमिली के साथ और बच्चे का ख्याल बिल्कुल नहीं करते, और बच्चा खो जाता है, हर मेले की कहानी ऐसी होती है गाइस। सो गाइस अभी चल रहे हैं हम, ये अकबरपुर रोड है, इधर का भी दिखाते हैं, यहाँ भी एक पंडाल लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत पंडाल यहाँ का है। और इधर तो अभी पब्लिक कम है, क्योंकि अभी जब पब्लिक बढ़ेगी तो यहाँ तक पूरा फुल हो जाता है, और उधर पूर्वी चौराहे से नई बाज़ार तक आपको पब्लिक देखने को मिल सकती है। ये रहा बसखारी का थाना, और थाने के जस्ट बगल में ही माता जी की पंडाल एक और है, वहाँ उसको व्यू दिखाएंगे हम आपको। वीडियो में बने रहिएगा, माता जी के दर्शन आपको बराबर करवाते रहेंगे। तो देख सकते हैं कितना लंबा चलना पड़ रहा है पैदल, क्योंकि यहाँ से लेकर पूर्वी चौराहे नई बाज़ार तक आपको गाड़ी लेके जाने की परमिशन नहीं है, तो लगभग काफ़ी दूरी हो जाती है। और इधर टांडा रोड हुआ या जलालपुर रोड हुआ, तो दूर दूर तक आपको बाइक लेके नहीं जाना
जाने के परमिशन है, लेकिन यहाँ थोड़े से दूर तक आप बाइक ले आ लाकर खड़ी कर सकते हैं, वो भी अपने रिस्क पे। और ये रहा गाइस मेन पांडाल जो मस्खारी थाने के जस्ट बगल में बनाया गया है। यहाँ का भी डेकोरेशन जो है बहुत ही खूबसूरत है, और माता रानी की जो प्रतिमा है बड़ी ही प्यारी बनाई गई है। हर जगह आपको ऐसी प्रतिमा देखने को मिलेगी। और डेकोरेशन की तो बात ही आप ना करिएगा, कितने प्यारे डेकोरेट किए जाते हैं यहाँ पे, जितने भी पांडाल हैं बहुत ही प्यारे और भव्य बनाए गए हैं। हम लोग चलते चलते थोड़ा सा थक चुके थे तो पानी वगैरह पीने के बाद वापस से चलते हैं, आपको जलालपुर रोड पर लेके चलते हैं। ये रहा चौक, पश्चिमी चौक से हम आपको व्यू दिखाते हैं, जो भीड़ है, जो क्लाउड है यहाँ की कितनी ज़्यादा है, हर तरफ से आपको लोग दिखाई देंगे आते हुए और जाते हुए। तो बैरिकेडिंग किया गया है यहाँ पे भी, मतलब एक साइड से आइए एक साइड से जाइए, देख सकते हैं भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है। तो अभी हम आपको जलालपुर रोड पे लेके आ गए, सॉरी टांडा रोड पे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं डीजे के आगे लोग डांस करते हुए आपको मिल जाएंगे, और बहुत ही प्यारा डांस कर रहे हैं, इंजॉय करिए आप भी गाइस। और बात करें अगर भीड़ की तो देख सकते हैं लोगों का जो भीड़ है, जो भक्तों का सैलाब अगर कह सकते हैं, तो पूरा एकदम भरा हुआ है इस रोड पे। तो कुछ ज़्यादा ही गाइस मतलब भीड़ लगी हुई है, मतलब चलना बड़ा ही मुश्किल है, कुछ ज़्यादा भीड़ है गाइस। देख सकते हैं माता जी का पांडाल आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ का इस रोड का भी पांडाल है बहुत ही खूबसूरत और भव्य बनाया गया है। क्लिक कर रहे हैं पांडाल का, और बार बार प्रश्न है यहाँ के जो समिति के मेंबर हैं अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कृपया सेल्फी लेकर तुरंत हटें क्योंकि भक्तों को दर्शन करने हैं। और देख सकते हैं जो लाइटें लगी, जो झालर लगाया गया है इस रोड पे, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, और इस झालर पे जो लाइटों पे ही चल रहा है इस डेकोरेशन का नाम, ऐसा सेटअप बनाया गया है। तो अभी हम घूमते घूमते गाइस सब्जी मंडी में आ गए हैं, और सब्जी मंडी से अब फिर पूर्वी चौराहे की तरफ चल रहे हैं अंदर से होते हुए, क्योंकि बाहर से आना बड़ा ही मुश्किल था, तो हम गलियों से होते हुए शॉर्टकट तरीके से यहाँ अंदर आए हैं। और अंदर का भी दिखाते हैं, जो सब्जी मंडी में माता जी की प्रतिमा और पंडाल बनाया गया है, देख सकते हैं यहाँ भी कितना प्यारा डेकोरेशन किया गया है, झालर वगैरह लगाई गई हैं, और यहाँ भी एक राक्षस बड़ा सा बनाया गया है, उसके हाथ पैर हिलते हुए आपको दिखाई देंगे। अब इलेक्ट्रिक है क्या है गाइस आप देख सकते हैं, ये रहा सामने बड़े से राक्षस का निर्माण, और इसके हाथ पैर आपको हिलते हुए दिखाई देंगे, क्या मांग रहा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं यहाँ की माता जी का प्रतिमा जो लगा हुआ है, जो बना हुआ है, वहाँ का ये व्यू दिखाते हैं। यहाँ भी बहुत ही प्यारा डेकोरेशन किया गया है, अद्भुत तरीके से सजाया गया है, माता जी की जो खूबसूरती है उस पर तो और चार चांद लग रहा है, जो लाइटें पड़ रही हैं। और भीड़ देख सकते हैं गाइस बहुत ही भयानक भीड़ हो गई है, और इधर भी गाइस देख सकते हैं माँ के भक्त जो है दूसरे पंडाल के भी डांस करते हुए आपको दिखाई देते हैं। बाबा के दरबार में नौजवान बच्चे औरत सभी जाते हैं, सभी बाबा के दरबार में दर्शन पाते हैं। उठाइए दोनों हाथ और क्या बोलेंगे, तो गाइस आप सब भी डांस एंजॉय करें, और हम भी एंजॉय कर रहे हैं। डांस एंजॉय करने के बाद फिर चलते हैं आगे, और वहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको, वीडियो में बने रहिएगा। और आप सब अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें।
वापस से गाइज हम आ गए हैं सुनसान रोड पे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा अंदर हो रही थी, पब्लिक इतनी ज़्यादा हो गई है कि गर्मी एहसास हो रहा था, तो हमने सोचा थोड़ा सा बाहर जो खुला एरिया उधर टहल लें, फिर उसके बाद आते हैं झांकी अगर आती है तो देखते हैं। फाइनली गाइज देख सकते हैं झांकी जो निकलना स्टार्ट हो गई है, ये रहे हैं, आप देख सकते हैं राम लक्ष्मण जी, और दिखाते गाइज आपको, क्योंकि प्रशासन पूरी सख्त है, दोनों तरफ से पुलिस फोर्स लगी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं भगवान राम की लीला करते हुए भरत शत्रुघ्न दिखाई देंगे, और इसके आगे देखते हैं कौन है। ये तो आईडिया नहीं कौन है, ये रहे भोले बाबा, बड़ा ही शांत रूप में बैठे हुए मिल जाएंगे आपको। तो सबसे आगे हैं बजरंगबली, जिनकी लीला सबसे अलग है, तो बजरंगबली के दर्शन कर सकते हैं। साई हो जाए, साई हो जाए, जगह दे दे, नाक जा रहा है, एक साई हो जाए भैया, किनारे हो जाए, एक साई हो जाए, किनारे हो जाए। हाँ हाँ, जगह दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए। देख सकते हैं छोटी छोटी झांकियाँ निकल रही हैं, अभी तो बड़ी बड़ी झांकियाँ आएंगी, लेकिन उसमें समय लगेगा, समय लगभग बज गया 12:30। अभी इस टाइम जो हो रहा है 12:30 का टाइम हो रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि 2:30 बज जाएगा जो मेन झांकियाँ निकलने में और भरत मिलाप होने में। हमारे फ्रेंड को देख सकते हैं गाइज, इनको चाहिए थी बांसुरी, और बांसुरी काफ़ी ढूंढने के बाद एक भैया के पास है। हमारे पास का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, हम लोग कैश लेके नहीं आए थे, ऑनलाइन पेमेंट के चक्कर में आए थे, लेकिन जो छोटी छोटी दुकान वाले हैं वो ऑनलाइन ले नहीं रहे हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे जो चाय की टपरियाँ हैं, हमने चाय भी पी थी तो वहाँ भी ऑनलाइन नहीं ले रहे थे, किसी दूसरे के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करा, तो हमने फर्स्ट गलती की थी, हमको कुछ अमाउंट लेके आना चाहिए था कैश। हम दोनों तीनों लोग जो आए साथ में सब ऑनलाइन के चक्कर में आ गए थे, क्योंकि सोचे ऑनलाइन पेमेंट हर चीज़ का होगा, लेकिन ये छोटी मोटी दुकान वाले जो हैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं, इससे हम लोग को बड़ी परेशानी हुई। लेकिन ये भैया जो मिले तो इन्होंने कहा ठीक है चल जाएगा, ऑनलाइन हम रिसीव कर लेंगे, तो हम लोगों ने ले ली बांसुरी, और ये भाई साहब बजा के भी चेक किए हैं, तो एक बार हम फिर से इनसे बजवा के चेक करवाते हैं। तो भाई साहब बजा रहे हैं और काफ़ी अच्छी स्वर निकल रही है इस बांसुरी के अंदर से। थोड़ा सा आगे चलते हैं और वहाँ का भी दिखाते हैं आपको, वीडियो में बने रहिए गाइस। थोड़ा सा आगे चलते गए जो वहाँ का भी आपको हम दिखाते हैं। सो एक गाइस देख सकते हैं, ये रहा सेल्फी पॉइंट, ऐसे सेल्फी पॉइंट आपको लगभग 5 से 6 यहाँ पे मिल जाएंगे देखने को, तो सबसे ज़्यादा भीड़ इसी सेल्फी पॉइंट ने इकट्ठा कर रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा डेकोरेट कर रखा है, और इसके जो एक वीडियो शूट के जो 60 रुपीज़ ले रहा है, 60 रुपये ले रहा गाइस, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और लोग यहाँ पे अपने अपने वीडियो क्लिप बनवा रहे हैं अपने फ़ोन से। और यहाँ पे देख सकते हैं जो भीड़ है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे महिलाओं की भीड़ दिखाई देगी, लेडीज़ की, जो इस जगह पे इस सेल्फी पॉइंट के लिए इतना लंबा वेट कर रहे हैं। लगभग अगर आप यहाँ वेट करते हैं सेल्फी वीडियो बनवानी है अगर आपको, तो 15 मिनट से 20 मिनट लग सकता है। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं हम वापस चल रहे हैं, क्योंकि हमने बाइक जो है इधर ही पार्क की थी अपनी, यहाँ से बाइक लेते हैं और वापस चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि गाइस लगभग 1:30 बज गया है, बहुत ही समय हो गया है झांकी का वेट करते करते, और पैदल चलते चलते ना पैर बड़े भारी भारी हो गए हैं, मतलब दर्द हो रहा है गाइस, तो अब रहा नहीं जा रहा, घर पे चलते हैं और आराम करते हैं। इतना ही हम आपको दिखा पाएंगे, क्योंकि जो झांकी का टाइमिंग है वो काफ़ी लेट है गाइस, तो उसे शूट करना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। और देख सकते हैं गाइस इधर जो लोग हैं सब वापस जाते हुए आपको दिखाई देंगे, लगभग क्योंकि जो झांकी देखने आए थे बहुत ही ज़्यादा समय होने की वजह से लोग इतना इंतजार नहीं कर रहे हैं, तो हम सब भी चलते हैं गाइस, क्योंकि टाइम ज़्यादा होने की वजह से दिक्कत हो रही है और नींद भी आने लगी है, क्योंकि गाइस इतना लंबा ट्रैवल करना फिर टहलते रहना पैदल तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। सो गाइस फाइनली हमने शॉर्टकट लेके अभी आ गए हैं नई बाजार फ्लाईओवर के पास, और यहाँ देख सकते हैं एक और माता जी की प्रतिमा बनाई गई है और पंडाल लगाया गया, बहुत ही खूबसूरत है। और अंतिम दर्शन करते हुए माता रानी के हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ सामने एक और मंदिर है,
जो काफ़ी भव्य और खूबसूरत बनाया गया, जो परमानेंट मंदिर है। और इसका रिव्यू आपने पिछले वीडियो में देखा था, अभी नाइट में देखें बहुत ही खूबसूरत है। और गाइस आप सब अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, आप सबके लिए हम ऐसे खूबसूरत और अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो भाई लोग माता जी के पंडाल में डांस करते हुए आपको मिल जाएंगे, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये मंदिर। फिर किसी दिन किसी और नए ब्लॉग में मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।